बाबा विश्वनाथ के शहर बनारस की परंपराएं अनोखी है। यही परंपराएं इस शहर को दुनिया से अलग बनाती हैं। ऐसे ही एक अनोखी परंपरा है सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में सामूहिक जलाभिषेक की, जिसे सैकड़ों सालों से शहर के यादव बंधु निभा रहे हैं। पूरे पारंपरिक वेशभूषा में शहर भर के यादव बंधु हाथों में जल लेकर शहर के प्रमुख शिवालयों में जाते हैं और वहाँ बाबा का जलाभिषेक करते हैं। वाराणसी के किरार घाट से इस जलाभिषेक यात्रा की शुरुआत होती है। सबसे पहले यादव बंधु गौरी किनारेश्वर का जलाभिषेक करते हैं, उसके बाद तिल भांडेश्वर और फिर दशाश्वमेध घाट से जल लेकर बाबा विश्वनाथ को जल अर्पण करते हैं। बाबा विश्वनाथ के दरबार के बाद मृत्युंजय महादेव और त्रिलोचन महादेव के बाद लाट भैरव पर जल अर्पण कर ये यात्रा पूरी होती है। परंपरा जो है जलाभिषेक की जो है बहुत प्राचीन परंपरा है और इस परंपरा के पीछे जो एक बात है, जो एक बहुत बड़ा जो है विश्वास है, वो विश्वास ये है कि सावन के समय ऐसे ही जो है बहुत अकाल पड़ा हुआ था, बारिश ये एक बूंद नहीं पड़ रही थी, सूखा पड़ा हुआ था। तब काशी के विद्वान ब्राह्मणों ने बताया, अहिर निजमन वासी लोग और यादव समाज के लोग भगवान शंकर का जलाभिषेक कर उन्हें प्रसन्न करते हैं तो निश्चित तौर से देश में जलाभिषेक होगा और बारिश जो होगी सूखा समाप्त होगा। और श्री कृष्ण यादव महासभा के अध्यक्ष सत्य प्रकाश यादव ने बताया कि सैकड़ों साल पहले जब पूरे देश में अकाल था और बारिश नहीं होने के कारण पशु पक्षी और मनुष्य बेहाल थे, तब नगर के यादव बंधुओं ने लोक कल्याण के लिए काशी के शिवालयों में जलाभिषेक किया था, जिसके बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए थे और बारिश हुई थी। तभी से ये परंपरा निरंतर चली आ रही है। सत्य प्रकाश यादव ने बताया कि 400 सालों से अधिक समय से ये परंपरा चली आ रही है और उनके दादा परदादा भी इस परंपरा का निर्वहन करते थे और अब वो भी उनके दिखाए रास्ते पर चलकर इस परंपरा को निभा रहे हैं। बताते चले कि इस जलाभिषेक यात्रा में यादव बंधु बिल्कुल पारंपरिक वेशभूषा के अलावा नैनों में काजल लगाकर बाबा के जलाभिषेक के लिए निकलते हैं। यात्रा गौरी केदारेश्वर महादेव से जो है जलाभिषेक यात्रा शुरू होती है। गौरी केदारेश्वर महादेव की जो महत्ता है वो स्वयंभू अर्धनारीश्वर शिवलिंग है। काशी में अर्धनारीश्वर गौरी केदारेश्वर है, वहां से फिर हम आते हैं तिल भांडेश्वर। तिल भांडेश्वर की जो महत्ता है वो साल में एक तिल बढ़ जाते हैं। गौरी केदारेश्वर, तिल भांडेश्वर, उसके बाद हम चलेंगे दशाश्वमेध माँ शीतला का, फिर मान मंदिर धार पे अहलेश्वर महादेव, फिर वहाँ से काशी विश्वनाथ मंदिर में, काशी विश्वनाथ मंदिर से महामृत्युंजय, महामृत्युंजय से त्रिलोचन महादेव, त्रिलोचन महादेव से ओम कालेश्वर, ओम कालेश्वर के बाद लाट भैरव में जलाभिषेक करके हमारी यात्रा समाप्त होती है।